और जबकि ये 2016 से खुद SDM थी, ने आज तक क्यों शिकायत नहीं की? बिल्कुल सर, बहुत जास्ती हो रही है सर। लाखों लड़कियों के सपने बर्बाद करने वाली ज्योति मोरया कब सलाखों के पीछे आएगी, ये लाखों लोगों का मांग चल रहा है। बता दें कि जिस तरीके से आलोक मोरया का सपना चूर चूर कर दे रही है और जिस तरीके से आलोक मोरया को धोखा देकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और ये अपने आप को सती सावित्री बताती है, तो लाखों लोग अब इसको बहिष्कार कर रहे हैं। कब इसकी जांच होगी और कब ये जेल जाएगी, लाखों लोगों की मांग चल रही है। बता दें कि 2009 में आलोक मोरया ने नौकरी पाया और 2010 में इन दोनों की शादी हुई और आज 2023 में ये दहेज मांग रहे हैं। बताइए, 13 साल बाद इन्होंने, आलोक मोरया ने दहेज मांगा है ये सती सावित्री ज्योति मोरया से। ज्योति मोरया अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आलोक मोरया पर तमाम गंभीर धराएं लगाने की बात कर रही है और अभी भी वो अड़ी हुई है ताकि उससे तलाक मिल जाए और वो गैर मर्द के साथ कहीं और अय्याशी उड़ाते हुए दिखाई दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि वो एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसका सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे आए और वो कड़ा से कड़ा सजा उनको दिया जाए, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी आलोक मोरया ने गंभीर आरोप लगाया है, कोर्ट में सारा दस्तावेज पेश किया है, जो कि वो ज्योति मोरया जिस तरीके से उनको धोखा देकर चली गई, वो सारा का सारा आलोक मोरया ने कोर्ट में दस्तावेज पेश किया है। यहाँ तक कि जो भी लोगों से रिश्वत लेती है काम करने के लिए और जिस तरीके से वो सारा का सारा दूसरे से चैट करती है, वो सारा तो लीक उन्होंने पहले ही कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये सती सावित्री बनने की ऐसे नाटक क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे अभी भी बच्चे हैं और वो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब समझदार हो जाएंगे, तो उसके दिमाग में अपने माँ के प्रति क्या विश्वास रहेगा, क्या सोचेंगे और उसके दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरी माता ऐसा गंदी करतूत कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो माता ऐसी करती है तो वो आखिर में बच्चे उसके वैसे ही करेंगे या वैसे ही बनेंगे। आखिर उसके बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या मूड दिखाने लायक रहेंगे, जो भी उसके माता के बारे में पूछेगा सिर्फ बच्चों का मूड ही नीचे ही गिरेगा। मैं बता दूँ कि आलोक मोरया पर जिस तरीके से ये अभी भी डटकर खड़ी हुई है और जिस तरीके से धमकियां दे रही है, उसके परिवार को धमकियां दे रही है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी साफ अच्छी होगी। जो कि अपने परिवार को नहीं हुई तो दूसरों को क्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं तो जिस तरीके से ये बर्बाद होगी, आप देख लेना किस तरीके से ये बर्बाद होगी। जिस तरीके से आलोक मोरया का घर बर्बाद कर दिया, उसका भी घर बर्बाद हो जाएगा और जिसके चक्कर में वो है, वो तो उसको अपनाने वाला नहीं है आगे चल के, वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो देखने वाली बात है कि आलोक मोरया पर जिस तरीके से अभी गंभीर धराएं लगाकर इधर उधर घसीट रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सती सावित्री बनने की नाटक कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये देश की सेवा करने के लिए बैठी है या अपना सेवा करवाने के लिए बैठी है। यहाँ तक कि ऐसे में संस्कार की बात ये बार बार कहती है कि मेरा ये संस्कार है, अच्छा जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर, क्योंकि आलोक मोरया जैसा इंसान नहीं मिल सकता। अपनी गांव से उठाकर शहर में पढ़ाने के लिए ले गया और आज जब SDM बनी तो उसको धोखा देकर किशोर के साथ फुर्र हो गई। कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कि ज्योति मोरया ने कितने लड़कियों के सपने चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि 133 से ज़्यादा महिलाओं को जिस तरीके से वहाँ PCS की तैयारी कराई जा रही थी लखनऊ में, उनके पति ने उन्हें वापस घर बुला लिया। मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाना चाहूँगा जो कि एक महिला ने ट्वीट करके खुद बताया है, वत्साला सिंह नाम है इनका। वो लिखती हैं कि आज मेरे पति ने इस घटना से अस्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज से बीच में ही PCS की तैयारी छुड़वा कर घर वापस बुला लिया है, बोले हमें नहीं बनना है हीरा ठाकुर। मैं आपको इसमें एक प्रूफ भी दिखा दिया कि जिस तरीके से लोग धोखाधड़ी करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से ये जाहिल SDM ने लाखों लड़कियों के सपने को बर्बाद कर दिया और सामने वाला का घर तो बर्बाद की ही, अपना भी घर बर्बाद कर दिया। ऐसे को SDM पद किसने दे दिया जिसके पास संस्कार ही नहीं है। लाखों लोगों की गुहार यही है कि योगी सरकार इन दोनों का जल्द से जल्द जांच करवाए और कि पूरी की पूरी जांच सच होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे ले जाकर जेल में बंद कर देना चाहिए, ये लाखों लोगों की अभी मांग चल रही है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर सकते।